नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोपैथोलॉजी। और मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में। मेरे इस नए वीडियो का इतना रिक्वेस्ट आया है मुझे कि सर मैं सेक्शन कटिंग करता हूँ और टिश्यू में बहुत ज़्यादा फोल्ड आते हैं, इस पर आप ज़रूर एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि कटिंग में क्या ऐसी 5 या 6 बातें आप याद रखें जिससे आपके कटिंग में बिल्कुल भी फोल्ड ना आए। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों, 5 या 6 ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप ध्यान रखेंगे, अगर आप उस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपका कभी भी फोल्ड नहीं आएगा। और मैं फिर से बोलता हूँ, कटिंग एक आर्ट है, एक कला है। आप इमीडिएटली ऐसा नहीं हुआ कि आपने फटाफट यानी कि 1 या 2 दिन के अंदर कटिंग सीख ली। ये कोई टेक्निक नहीं है जिसको आप, अगर आप टैलेंटेड है तो फटाफट सीख लेंगे। एक आर्ट है, इसको सीखने में एक मिनिमम टाइम लगेगा आपको, राइट। तो अगर आप कटिंग कर पा रहे हैं ठीक से और फिर भी आपका फोल्डिंग टिश्यू में फोल्ड आ रहा है, तो मैं उसके लिए आपको बताता हूँ। आप जब आप कटिंग कर रहे हो तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो माइक्रोटोम बहुत ज़्यादा स्पीड से चलाते हैं, राइट। तो मेरा रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि वो कभी भी माइक्रोटोम बहुत स्पीड से ना चलाएं, बहुत ही आराम से, बहुत ही फाइन तरीके से आप माइक्रोटोम को घुमाएं कटिंग के लिए। कितने माइक्रोन पे काटना है? 3 से 5 माइक्रोन पे, जो भी आपका सूटेबल लगता है आपको, डिपेंड अपॉन द टिश्यू। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 3 माइक्रोन पे ही आप सेक्शन काटें, राइट। जब आप सेक्शन काट रहे हैं तो माइक्रोटोम को बहुत स्मूथ चलाइए। सेकंड चीज, जब आप माइक्रोटोम चला रहे हैं तो आप याद रखिए कि टिश्यू आप लिफ्ट कीजिए हाथ से, यानी कि टिश्यू जब आ रहा है, पहले टिश्यू आने लग जाता है माइक्रोटोम पे ब्लेड के साथ में, तो आप उस टिश्यू को पकड़ लीजिए और अपनी तरफ खींचिए उस टिश्यू को। अगर टिश्यू खींच रहे हैं आप, या 2 या 3 रिबन निकालिए, इससे ज़्यादा आप रिबन मत निकालिए। थर्ड, आप एक छोटा सा ब्रश आता है, उस ब्रश की हेल्प लीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा निडल यूज़ करते हैं, आप निडल ना यूज़ करें, आप ब्रश का यूज़ करें। ब्रश लीजिए, उसको उठाइए, फिर भी अगर आपका लगता है कि टिश्यू नहीं आ रहा है ठीक से, तो आप हल्का सा उसमें फूंक भी मार सकते हैं, हवा भी दे सकते हैं। मुंह से अगर फूंक मारेंगे तो टिश्यू आपका ऑटोमेटिकली आगे की तरफ आने लगेगा। अगर तब भी नहीं आता तो आप उसे हाथ से खींच सकते हैं, या तो आप हाथ से खींच सकते हैं टिश्यू को, या फूंक मार सकते हैं। और 2 से 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेक्शन लीजिए और उसको ब्रश से आप हेल्प लीजिए और आप उसको वाटर बाथ में डाल दीजिए। दोस्तों, वाटर बाथ का टेम्परेचर 50 डिग्री मैं रिकमेंड करता हूँ। 50 से ज़्यादा आप रखेंगे तो वो आपका टिश्यू वाटर बाथ में डालने के बाद वो फैल जाएगा पूरा टिश्यू। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप 50 डिग्री टेम्परेचर ही मेंटेन कीजिएगा टिश्यू फ्लोटेशन वाटर बाथ का, राइट। अगर आपको लग रहा है फिर भी फोल्ड आ रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा लास्ट कि आप 0.5% अल्कोहल आप यूज़ कीजिएगा। 0.5 यानी कि 0.5 ml आप अल्कोहल ले लीजिए और बाकी 99.5 आप पानी ले लीजिए। आप इस अल्कोहल का यूज़ कीजिए और इसके ऊपर आप टिश्यू को काट के उस अल्कोहल पे आप डालेगा। आपको डालना कैसे है, आपने अल्कोहल बना लिया है और आप एक स्लाइड के ऊपर 0.5% अल्कोहल को ड्रॉपर से डाल लीजिए एक स्लाइड के ऊपर। अब जो आपने सेक्शन काटा है उस सेक्शन को उस स्लाइड के ऊपर पूरा फ्लोट कर दीजिए, यानी कि 0.5% अल्कोहल पे उसको डाल दीजिए और उसको स्लाइड को ऐसे होल्ड करके उसको वाटर बाथ में आप डाल दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका टिश्यू के अंदर फोल्ड बिल्कुल भी नहीं आएगा। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरी ये 5 या 6 टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी में, ताकि मैं, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक में बनाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आने वाले टाइम पे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरा लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुँच जाए। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।